हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी, जो बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों ने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा होगा, और गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी थी वो कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अब ये जो कैमिलो गोल्जी है, इन्होंने सिर्फ गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी नहीं की थी, साथ ही साथ उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, और भी टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहे थे। चलो पहले मैं नाम लिख देता हूँ साइंटिस्ट के, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग और इवेंटफुल लाइफ थी इनकी गोल्जी की, जिनका पूरा नाम कैमिलो गोल्जी था। लेट मी करेक्ट इट, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी, अब इनकी लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। अब कैमिलो गोल्जी ने सिर्फ एक टॉपिक पे रिसर्च नहीं किया। देखो, उन्होंने गोल्जी बॉडी की तो डिस्कवरी की थी, गोल्जी बॉडीज की तो डिस्कवरी की, साथ ही साथ उन्होंने और क्या पता किया, उन्होंने ये पता किया कि जो मलेरिया नाम की डिजीज होती है, ये मलेरियल पैरासाइट की वजह से होती है। तो समझ लो एक तरीके से मलेरियल पैरासाइट के बारे में भी उन्होंने रिसर्च किया। जरूरी नहीं कि हर टॉपिक पे वो सही रहे हो, बट उसके अलावा उन्होंने एक और रिसर्च किया था, उस रिसर्च का नाम दिया गया था ब्लैक रिएक्शन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन उन्होंने किया था, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च उन्होंने किया था ब्लैक रिएक्शन नाम का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इसी रिएक्शन की वजह से, या फिर इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से 1906 में उन्हें, एक साइंटिस्ट थे सैंटियागो रेमनी कैजल के साथ, उनको नोबेल प्राइज मिला था। 1906 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, कैमिलो गोल्जी के बारे में ही हम बात करेंगे, और उनके ब्लैक रिएक्शन के बारे में बात करें। आखिर ये ब्लैक रिएक्शन से उनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला, और साथ ही साथ हम उनके थोड़ा सा लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सब चलो स्टार्ट करते हैं हम 1843 से, जब उनका बर्थ हुआ। और उनका बर्थ हुआ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंशन है आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में ज़रूर जानें। तो 1843 में इनका बर्थ हुआ, और इनका जो बर्थ हुआ था वो कॉर्टिनो नाम के टाउन में हुआ था, छोटा टाउन था, जो कि ब्रेसिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है वहाँ इटली की, क्योंकि ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे। ओके, तो ब्रेसिका के नज़दीक जो कॉर्टिनो नाम के टाउन में 1843 में उन्होंने उनका बर्थ हुआ। और उनकी स्टडी का मामला ये था कि 1862-1865 वो इटली के ही एक दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया नाम के एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी की थी। और 1865 जैसे ही उन्होंने स्टडी की, उन्होंने एक सेंट मैटियो हॉस्पिटल में उन्होंने एज ए पैथोलॉजिस्ट काम करना शुरू कर दिया। अब जब वो एज ए पैथोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, तो साथ ही साथ उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। और बाद में उनको एक चीज़ और, उनको एक इम्पोर्टेंट पोस्ट भी मिली एज ए मेडिकल ऑफिसर, उन्हें एक अलग सिटी में उनको एक इम्पोर्टेंट पोस्ट भी मिली, जो क्रोनिकल डिजीज़ से सिक पर्सन हुआ करते थे, वो उनका ट्रीटमेंट करवाते थे। खैर, उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखें, सेंट मैटियो हॉस्पिटल में उन्होंने काम करना शुरू किया था। चले, इसके बाद हम ये डायरेक्ट देखते हैं कि उन्होंने रिसर्च क्या किया। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च किया था ब्लैक रिएक्शन। ये ब्लैक रिएक्शन क्या है, हमने कहा कि उन्होंने हॉस्पिटल में किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर आप लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा पहले, तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप ये जान लें कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में कुछ नर्व सेल्स पाई जाती है, वो आपके न्यूरॉन की बनी हुई होती है, और ये सारी चीज़ें मिल के क्या बनाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। स्पेशली हमारा ब्रेन और हमारे स्पाइनल कार्ड जो होते हैं, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। अब उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। लगभग हम अगर 150-200 साल पहले चले जाए, तो क्योंकि हमारी बाकी बॉडी की बहुत सारी सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी, लोगों को स्किन के बारे में पता था, लोगों को ब्लड के बारे में पता चला, लोगों को मसल्स के बारे में पता चला, लोगों को और भी सेल्स के बारे में, ऑर्गन के बारे में पता चला, और उन्होंने उनका उन सेल का स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया कि इनका
जो स्किन की सेल है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो आपकी ब्लड सेल्स होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो आपकी मसल सेल्स होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन में जो सेल्स पाई जाती उनका स्ट्रक्चर जो था उसको फाइंड करना, ये बड़ा ही टफ था उस टाइम में. आज तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हमारे पास बहुत ही डेवलप स्टैंडिंग टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों को आसानी से स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर आसानी से आइडेंटिफाई और उसको स्टेन करके उसका स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं. बट लगभग 100-150 साल पहले चले जाए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट जॉब थी. खैर, तो गोल्जी बॉडी उस टाइम, सॉरी गोल्जी बॉडी कह रहा हूँ, कैमिलो गोल्जी उस टाइम रिसर्च कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसके बारे में, कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बना होता है. और ब्रेन की अगर आप ब्रेन के सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करने जाए, स्पेशली हम न्यूरॉन को पता करने जाए, तो इनका एक्चुअली इतना कंडेंस या डेंस इनका स्ट्रक्चर होता है और सेल इतनी कम्पैक्टली टाइट फॉर्म में वहाँ पे पाई जाती है कि उनका उनकी सेल की स्टडी करना बड़ा ही मुश्किल था. तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक स्टेनिंग सोल्यूशन तैयार किया जो बड़ा ही हाईली टॉक्सिक था या फिर बहुत ही टॉक्सिक था. स्टेनिंग सोल्यूशन उन्होंने तैयार किया और ये स्टेनिंग सोल्यूशन जो था ये इसमें दो चीज़ें थी, दो सोल्यूशन था इसमें. पहला तो आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ें. ये टॉपिक छूटा हुआ था, मैंने पिछले साल इसका लेक्चर डाला था गोल्जी बॉडी पे, बट ये चीज़ छूट गई थी, तो फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश करूँगा. तो सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा जो सोल्यूशन था वो था आपका पोटेशियम क्रोमेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्रोमेट. अब जो सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम क्रोमेट, इन दोनों का उसने यूज किया. इनको कहाँ पे रखा, आप ब्रेन टिश्यू या आपके सेंट्रल नर्वस टिश्यू पे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, आपका नर्वस टिश्यू पे इसका इस्तेमाल किया गया, ब्रेन के टिश्यू पे इसका इस्तेमाल किया गया. और जब इस पे इस्तेमाल किया गया तो ब्रेन उस टिश्यू में से कुछ सेल, क्योंकि उसको क्रश किया गया, उसको स्लाइड पे रखा गया, जब उसको ऑब्जर्व किया गया आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग का मतलब होता है उसको कलर करने के बाद, एक स्टेनिंग सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट को जब उस ब्रेन टिश्यू पे डाला गया तो उसमें से कुछ सेल थी वो क्या हो गई, स्टेन्ड हो गई, मतलब कलरफुल हो गई, स्टेन्ड हो गई. और वो कौन सा कलर था, एक ब्लैक कलर था. इसीलिए इस रिएक्शन को, इस एक्सपेरिमेंट को ब्लैक रिएक्शन नाम दिया गया. उन सेल्स का कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, और इससे वो इजिली आइडेंटिफाई या उनको आसानी से रिकग्नाइज भी कर लिया गया, रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई कर लिया गया. तो पहली बार जो सेल का स्ट्रक्चर जो था, वो भी नर्व सेल का, जो न्यूरॉन सेल है आपकी, जो ब्रेन को बनाने वाली सेल है, उसको फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई करने का काम कैमिलो गोल्जी ने कर लिया था. और उसकी वजह से उन्हें 1906 में या 1906 में नोबेल प्राइज मिला. साथ ही साथ उनको एक और साइंटिस्ट थे जो उन्होंने, उनके कुछ टाइम बाद उन्होंने रिसर्च किया, साथ ही साथ इन्होंने, उस साइंटिस्ट ने सैंटियागो रैमनी कैजुअल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज भी किया था कुछ टॉपिक्स पे, बट वो यहाँ पे खैर इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि उससे पहले लोगों को इसके बारे में, ब्रेन के बारे में कुछ पता नहीं था. लोगों को बाकी सेल्स के बारे में लोग तो जानते ही थे, उनका स्ट्रक्चर जानते थे, बट इस चीज़ के बारे में, इनका स्ट्रक्चर लोग नहीं समझ पाए. और आज इसका स्ट्रक्चर लोगों को पता है, और बड़ा ही जैसे स्पेशली जो सैंटियागो रैमनी कैजुअल और इन, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने हाथों से जो उनका डायग्राम बनाया था, जो अपने माइक्रोस्कोप में देख के जो डायग्राम उन्होंने तैयार किया था, वो डायग्राम इनके बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डायग्राम को बनाया. इवन कि आज आप देखेंगे तो सेम वैसे ही डायग्राम आपके पिक क्लिक करके आप उसको, आपको पिक क्लिक किए हुए मिल जाएंगे, आपको कैमरे से क्लिक किए हुए. ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कैमिलो गोल्जी के बारे में, और उन्होंने किन किन टॉपिक पे रिसर्च किया, उनका बर्थ कब हुआ, उन्होंने स्टडी कब की, कहाँ की, और साथ ही साथ उन्होंने किस हॉस्पिटल में रिसर्च करना शुरू किया, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में भी जान लें. और याद रखें, उन्होंने जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसर्च करना शुरू किया था तो उन्होंने बस एक किचन से स्टार्ट किया था. हॉस्पिटल जो सेंट मैटियो में जो उनका हॉस्पिटल था
वहां पे स्पेस नहीं था, तो उन्होंने किचन से ही वो नर्वस सिस्टम पे उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया था। और बाद में उन्होंने एक और पोस्ट पे काम किया एज ए मेडिकल ऑफिसर। उन्होंने क्रोनिकली सिक जो पेशेंट थे, क्रोनिकल डिजीज का मतलब ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे टाइम तक बॉडी में रहती है, उस तरीके की जो बीमारियों वाले पेशेंट थे और उन पेशेंट की देखभाल करने वाले जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उन एज ए मेडिकल ऑफिसर भी उन्होंने काम किया किसी एक दूसरे शहर में। तो आई होप कि, और शायद मैंने इसे पहले भी बताया भी होगा आपको, अगर नहीं बताया तो आप ज़रूर उस चीज़ को भी देख लें। अदरवाइज यहाँ पे मैंने क्या बताया, कैमिलो गोल्जी के बारे में बताया, उनकी डिस्कवरी के बारे में, ब्लैक रिएक्शन के बारे में, कि ब्लैक रिएक्शन इज नथिंग बट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्रोमेट, जिन्हें कहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ब्रेन टिश्यू में इस्तेमाल किया गया, उसमें से कुछ सेल्स आपकी स्टेंड हो गई, ब्लैक कलर की स्टेंड हो गई, जिससे फर्स्ट टाइम किस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया गया, नर्व सेल को रिकग्नाइज कर लिया गया, उनके स्ट्रक्चर देख लिया गया, और उन्हीं नर्व स्ट्रक्चर को फाइट करने के लिए इन्हें और सैन डिएगो के रेमनी कैजल को 1906 में नोबेल प्राइज से नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, और अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो भी आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें, और वहाँ पे जो भी मिस्टेक है आप मुझे बताते रहें ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ और चीज़ों को वहाँ से इरेज करके हटाया जा सके। तो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जानी चाहिए, गलतियाँ हमसे भी होती है, सबसे होती है, तो वहाँ पे अगर गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, लोग बच्चे गलत इन्फॉर्मेशन अगर पास में रखेंगे वो भी प्रॉब्लम है। तो आप लेक्चर को पूरा देखें, सारी चीज़ों को शेयर करें, और आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।